अल्लाह रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करस्त रहो, बस्तर आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको अस्तर मुख्त रखे, अपने हिफ्ज अमान में रखे। तो जी आज वसीम की बहुत तबीयत ख़राब है। वसीम कैसी है तबीयत? बिल्कुल बुखार आ चुका है, तो आँखें भी देखो लाल हो चुकी है। सारे रात हम बैठे रहे, तो अभी लेने आए हुए दवाई इसकी, डॉक्टर के पास चलते हैं और आगे की रूटीन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हस्त रहे, बस्तर है, आबाद रहें, शाद रहें, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, हक हलाल की रोज़ी दे। तो जिनके बच्चे भी अल्लाह ताला उन्हें बच्चों की लंबी उम्र करे और अपने खुशियाँ देखने की सआदत हासिल हो अपने माँ बाप को सबको। तो जी भाई आज जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेकें हैं वो सब आप लोगों के सामने पेश करूंगा। थोड़ी थोड़ी जो बातें हो रही हैं आजकल, बहुत सारी वाइटी पर बातें हो रही हैं, मैंने सब का व्लॉग देखा, यानी हिटरों का देखा और सपोर्टरों का भी देखा और चाहने वालों को भी देखा, ना चाहने वालों को भी देखा। तो भी उनके बाद जो है ना सब का सुन के बाद मुझे जवाब देना होता है, तो आज मैं भी सबका जवाब दूँगा बड़े प्यार से, गुस्से से नहीं, जोश से नहीं, होश से। तो जी पहली पहली बात करेंगे जो मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, अभी भाई के साथ ऐसा हुआ और भाई ने ख़ुद भी व्लॉग बना डाला। तो आज मैं बताता हूँ भी वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है। तो भाई वजह ये है कि भाई सब्र नहीं है हमारे में, ठीक है, सब्र नहीं है। अच्छा अब दूसरी पहली बात ये करता चलूँ कि भाई जो बच्ची की शादी हो रही है, यानी हमारी पोती की, हाज साहब की दोती हो गई, उसकी बेटी की बेटी है और मेरे भाई भतीजे की बेटी है, यानी मेरी पोती हुई। तो जो इसकी शादी हो रही है, मुझे उस शादी से कोई इख्तलाफात नहीं है, ठीक है, ना ही उस बच्ची हमारी दुल्हन से कोई इख्तलाफात है, ना ही दूल्हे वालों से हमें। वजह यह है कि अल्लाह ताला जैसे नसीब लिखता है ना वैसे ही होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई जो बच्ची है उसके साथ हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, उसका नसीब था वहाँ, तो उसकी शादी जहाँ हो रही है तो उसके साथ हमारा, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, तो हमें कोई इसमें नाराज़गी नहीं है भी वो शादी वहाँ क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही। तो भाई नजमा ने हमसे नहीं पूछा, लेकिन फ़ारूक ने हमसे, मेरे से पूछा, इजाद अली चाचा तैसे मेरा रिश्ता हो रहा है। तो मैंने बोला भाई अच्छा है कि हो रहा है रिश्ता, आपको अच्छा घर लग रहा है अपनी बच्ची के लिए तो आप कर रहे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। एतराज़ जो अभी उठे हैं ये अलग चीज़ है। तो ये सब की रजामंदी थी थे, क्योंकि सितारा बेटी ने किया, भाभी ने को पसंद आया, सब ने मिलजुल के ये किया, तो भाई भाई साहब भी रजामंद ही थे। तो भी जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं बताता हूँ भाई का, जो अभी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भी नाराज़ हैं, तो भाई साहब को कहूँगा, भाई साहब नजमा का जब चैनल बन रहा था तो सितारा बेटी नहीं बना के दे रही थी, भी हम चैनल इसको नहीं बना के देंगे, क्योंकि इसे पता था सितारा बेटी को भी, नजमा को जब चैनल बना के दिया तो ये इकरी फिक्री सब, इकरी फिक्री सब ख़ानदान की उड़ा डालेगी, तो इसे मैं चैनल बना के नहीं देती। तो भाई साहब आप ही थे जो नजमा को किराया देने वाले थे, अभी कराची जाओ, और भी सितारा को भी आपने ही कहा था भाई, और मेरी भाभी ने को कहलवाया आपने भी इसे चैनल बना के दो, ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब आपने ख़ुद चैनल बनवाया अपनी बेटी का ज़बरदस्ती से, तो सितारा बेटी उस टाइम चैनल भी नहीं बना का देना चाहती थी, ठीक है। तो फिर जो अब झगड़ा हुआ, ये वो हुआ, तो फिर सब वो तेरी ही वजह से, वो तेरी वजह होगी नहीं भाई, कि तेरी वजह थी कि जो तेरी बेटी इधर उधर की बातें, तेरे बेटे ने इंतज़ाम लगाया और तेरी बेटी ने यहाँ से इधर की बातें वहाँ पहुँचाती रही, सितारा के घर भी रहेगी उसकी बातें भी पहुँचाती रही। लेकिन खैर मुनाफिक फ्रंट सीट पर होते हैं, लेकिन सितारा बेटी की मजबूरी है कौन फारूक, क्योंकि वो उसका बेटा है, उसे जुदा नहीं कर सकती, ये उसकी हो गई भाई, वो तो फिर कैसे कभी क्या करें। भाभी जो हुई, तो जो भी हो, गंदा हो मंदा हो, फिर भी अपना हो, अपना अपना होता है, तो फिर उसको भी निभा करना है, अभी हर चीज़ को साथ लेकर चलना है। तो ये भी सितारा बेटी अच्छा कर रही है, अभी अपना
खर्च कर रही है अपना वो रिश्तेदारी भाई, जो वहाँ के रिश्तेदार थे वो तो होंगे, जो उसके मतलब भाई आज तक हमारा ऐसे वैसे नहीं हुआ। मैंने कल भी कहा था भी हमारे जो रिवायत है तो हम बच्ची को घर से ही रुखसत करते हैं। अभी ख़ानदान वाले मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन्हें तो कोई नजमा बेटी को फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते थे भी शादी भी हो सब कुछ हो लेकिन रुखसत अपने घर से हो। अब सब देख रहे हैं कोई भी माँ बाप है ना रुखसत अपने घर से ही करता है अपनी बेटियों को अपनी बहू को। तो इस बात से आप लोगों को इख्तलाफात नहीं होना चाहिए कि हमारे ये ख़ानदान, एक आप बात दिमाग में रखें होश से कि ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है। किसी भी ख़ानदान में मैंने नहीं देखा, खैर हमारे ख़ानदान में ये है कि भी सब रिश्तेदार छोटे बड़े सब एक साथ होते हैं तो उसके सर पर हाथ भी रखते हैं और भी उसे रुखसत करते हैं। तो ये हमारे ख़ानदान में पहली शादी हो रही है जो भाई मतलब दूल्हे वालों के घर में ही जाके हो रही है। दूल्हे वाले तो नहीं है, खैर सारा बेटी का अपना घर है लेकिन उनके करीब है। तो खैर जो नसीब था वैसे ही हो रहा है। तो ये भाई साहब आपको नहीं पछताना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपने सबसे पहले इसी बेटी के लिए सब कुछ किया, मुझे भी जुदा कराया इसी बेटी के लिए कराया था, ठीक है ना। इस तरह बेटी ने कॉल की थी भी चाचा का मतलब इस्तारा को रोको और भाभी को कहलवा कर तूने मेरा मतलब मुझे रुकवाया, अभी ब्लॉक में नहीं आना चाहिए। आज तक भी वही शर्त चल रही है, ठीक है। तो हम भाई हैं, भाई भाई के साथ ऐसे नहीं करते। आप बड़े थे मैं छोटा हूँ कोई बात नहीं है, और मैं लावल्द भी हूँ आप बच्चों वाले हैं तो आपको भाई जैसे करते हैं ना, तो फिर आपके बच्चे आपके साथ क्या कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं ना जो आपने भाई के साथ किया था। और हमसे वीज़े लिए, हमारे मतलब आपसे वीज़ा लिया, आपने दो नंबर वीज़ा दिया, सब कुछ किया, किसके लिए, इतने बच्चों के लिए। आप अपनी बीवी को ले गए जो मतलब आपके नजमा बेटी की मेरी पहली भाभी है, उसे ले गए, उसे काम शाम करवाया, तो ये जायदाद बनाई किसके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। दूसरी मेरी भाभी को इसको लेके गए, आपने काम शाम करवाया तो खुद भी किया, तो भाई किसके लिए, इन बच्चों के लिए। जो प्रॉपर्टी बनी आपने बच्चों को दी, तो गोल्ड शोल्ड भी बहुत भी नजमा को इसने भाई साहब ने बहुत सारे गोल्ड दिए भिजवाए सऊदी अरब से, पैसे भी बहुत सारे भेज रहे, ज़मीन भी भाई साहब की नजमा साहब के पास ही, अभी कहते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको ये बात इंसाफ की करते चलेंगे भाई, झगड़ा अपनी जगह इंसाफ अपनी जगह। तो सब चीज़ नजमा के पास ही थी, जैसे उसने रिमोट कंट्रोल दबाना था अभी ये करना है अबू ये करना है अबू ये करना है, तो अबू वही बात रिमोट बने हुए थे, तो अबू सब काम भी अबू ने इसका नजमा का किया। लेकिन अब तो हुआ क्या, तो भाई वो कहते हैं ना बैठने की जगह दे सोने की मैं खुद बना लूँगा, तो आप भाई साहब सोने की जगह आपकी बेटी ने बना ली है, तो वो चली गई भी अपना आगे आप रह गए पीछे। अच्छा तो और बात क्लियर करता चलो मेरी YouTube फैमिली, जो भाई साहब कह रहे थे भी बिना बुलाए तो कोई भी नहीं, कुत्ता भी नहीं जाता किसी के घर खाना खाना, तो ये बात भी भाई की सही है। आप लोग ठंडे दिमाग से सोचें, ठीक है बच्ची की खुशियाँ हैं लेकिन बच्चे की खुशी के लिए बड़े का होना ज़रूरी है, यानी कि बाप, माँ तो सर पर नहीं है, बाप का होना बहुत ज़रूरी था। तो भी जैसा कैसे भी हाथ पांव पकड़ के उसे ले जाते साथ, तो जब दिन गिने गए तो तब भी नहीं ले गए, तो अब भी ये आंखों देखी बात है भाई, मैंने किसी की कब्र में नहीं जाना, तो ये तो ज़्यादती है अभी उसके साथ। जैसा भी है कुछ भी है फिर भी बाप है, ठीक है ना, बड़ा है बाप है। वो जब जाता अपनी पोती धोती पे सिर पर हाथ रखता तो बहुत उसे अच्छा लगता, लेकिन इससे असल बात यह है कि आप कहते हैं भी अब आएगी नजमा बेटी, तो भाई वो पहले कहाँ थी, जब वो ये रिश्ता हुआ सब कुछ हुआ तय हो गया अभी अहमदपुर में शादी होनी है, इस बेचारे को भेजा इसने कमरे शमरे कलर कराए, और भी बहुत वसी जगह है इधर शादी के लिए भी बहुत वसी जगह है, आगे भाई के दो किनार ज़मीन है, आगे मेरे भांजों को भी दो किनार ज़मीन पड़ी है, एक बीघा ज़मीन का प्लॉट पड़े हैं, जो लोगों की गाड़ियाँ यानी जो भाई साहब ने मोटरसाइकिल पंचर वगैरह आपको बताया था वो भी भाई की जगह है, आगे मेरे भांजों की जगह है वो भी दो किनार पड़ी है, यानी कि एक बीघा ज़मीन हमारे शहर में वैसे पड़ा है प्लॉट जो दुख सुख के लिए होता है। तो खैर जो नसीब था वो हुआ, लेकिन भाई भाई साहब को बुलाना ज़रूर चाहिए था, बुलाना क्या भाई, पहले तो अबू अबू कह के बुलाया,
अबू ये अबू बीमार है, अम्मी ये नहीं आ रही, अम्मी फलान नहीं कर रही, अबू लबे वो फांसी लग रहा है, अबू वो मतलब तारों को हाथ लगा रहा है, फलान कर रहा है। उस टाइम तो आप व्यूज़ लेने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अबू को अब बीमार बंदा है उसका कोई पता भी नहीं है, यूट्यूब फैमिली कोई पता नहीं, किसी टाइम कुछ हो जाए तो 24 घंटे उसे अस्पताल में मतलब दो मरतबा दिखाना पड़ता है, तो अभी मतलब दिखा रहे हैं। तो उसके पकाने खाने वाले अभी इधर कोई नहीं है, तो जैसा कैसे भी था ना तो उसको बेटी को साथ लेके जाना चाहिए था। चलो शादी आप वहाँ कर रहे हैं, सितारा बेटी अच्छा बहुत अच्छा करी, लेकिन ये सितारा का हक नहीं है कि उसे लेके जाए, ये नजमा का हक था कि उसे अपने बाप को लेके जाना चाहिए था। कुछ भी हो, देखो ये यूट्यूब नहीं रह जानी या मतलब पैसा नहीं रह जाना, तो शादी दो दिन की थी, आप ज़रूर लेके जाते अपने अब्बू को, आपका बिल्कुल हक बनता था। आप मैं 15 दिन से वीडियो बना रहा हूँ भी बाप बेटी बात आपस में क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, यानी कि भाई ये पहले से ही आपस में इनके ये झगड़ा चल रहा था, ठीक है। तो भाई भाई बाप कुछ भी करे बाप बाप होता है, तो उसे आपको हाथ पांव पकड़ के अब्बू को मना लेना चाहिए था और शादी में बिठाना चाहिए था। हमें छोड़ दें, हमें कोई मतलब परवाह नहीं है, आप शादी में बुलाएं ना बुलाएं कोई बात नहीं है, रिश्तेदारी कभी नहीं टूटेगी, ये भी बता दूं, रिश्तेदारी या आपस की कभी नहीं टूटेगी। तो ये मैं असल बातें मेरी यूट्यूब फैमिली कर रहा हूँ। तो भाई के साथ ये तो है ना, भी बेटी को मनाना तो चाहिए था, तो अब भी टाइम है, अगर आप अपने बाप को मना सकती हैं तो मना लें। तो भाई साहब यही यूट्यूब था जो आप बेटी के लिए भी सबको कह रहे थे, मेरी बेटी को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ से अच्छे व्यूज़ दें, सब कुछ करें। तो आप शॉर्ट आउट भी सितारा बेटी से लेके दे रहे थे, भाभी से भी लेके दे रहे थे, खुद भी शॉर्ट आउट दे रहे थे। तो आप जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या फ़ायदा है भाई, तो अब जो है ना आप खामखा पछता रहे हैं। आपके साथ बाकी बेटियों ने और बेटे ने सब ने ज़्यादती की, लेकिन आपके पास मैं सब पहले कहता हूँ आपके पास बहुत सारी जायदाद है, ठीक है ना, जो आपने बेटियों और बेटों का नाम कर रखी है, गोल्ड भी बहुत दिए, 10-10 तोले सबको सोना दिया आपने, ठीक है ना। तो भाई वही थे आपके बच्चे हैं जो आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, दूसरे तीसरे ने किसी ने नहीं किया, इस तरह के किसमें कोई कसूर नहीं है, ना ही किसी और का है, ना फारूक का है, ये आपका बाप बेटी का मसला था। तो आपकी बेटी आपकी नहीं बनी तो फिर और क्या कर सकते। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं ये असल बात है कि भी इसको बाप को मनाना चाहिए था, कुछ भी हो जाए बाप बाप होता है। तो छोटी मोटी बात थी, इनको आपस में मतलब वो सॉल्व करनी चाहिए थी। बाकी भाई हम बिल्कुल खुश हैं, मुबारकबाद भाई इस तारा बेटी को देना चाहते हैं भाई, उसने बहुत अच्छी तरीके से शादी मना रही है, हम देख रहे हैं आज उसका व्लॉग आया, बहुत प्यारा लगा जो दूल्हे वालों के घर गई और भी उसने शेरे शेरे भी खुद गए उसने कहे, और बहुत दिल को खुशी हुई। तो हम इस पर बिल्कुल नाराज़ नहीं है भाई, ओ मतलब शादी वहाँ नहीं होनी चाहिए, सितारा ने अच्छा नहीं किया, नहीं नजमा ने अच्छा नहीं किया कि अपने हमें छोड़ दें, डीडी को नहीं ले गए, मुझे नहीं ले गए, बाबर को नहीं ले गए। और दूसरी बात, एक और सिस्टर कह रही थी भाई ये सब पछतावे में रहेंगे, इस कॉन्टैक्ट से रह गए, हमें कोई पछतावा नहीं है भाई, ठीक है, जो हमें देखना चाहता है वो बिल्कुल देखेगा, ज़रूरी नहीं कि हम शादी पर हों। तो मैं तो भाई 2 साल से ही, 1.5 साल से इसी नजमा साहब की वजह से जो मैं उसमें व्लॉग में नहीं आ सकता, जब सितारा बेटी यहाँ ये तो मुझे मिली है, वो मतलब पड़ोसियों के घर बैठी थी, साजिद साहब भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरे साथ बातचीत हुई, डीडी को भी मिले, सब चीज़ को अलग अलग मिले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ईमान से कह रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं शॉर्ट आउट ले रहा हूँ, तो मैं ईमान से कह रहा हूँ भी क्या कहूँ भी हम एक कुछ हैं, लेकिन कहाँ भाई साजिद और ना कभी मेरे सितारा बेटी मुझसे जुदा है, तो हर टाइम मेरे साथ ही हैं, मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं, तो हमें कोई इख्तलाफात नहीं। आज दूसरी बात वो कुछ मेरी सिस्टरें कह रही थी भी हाँ आप इस कॉन्टैक्ट से रह गए, तो मुझे सब में ना मिलाइएगा क्योंकि भाई मैं इस कॉन्टैक्ट से नहीं रहा। तो ये नजमा का और मेरा जो है पहले से ही कोई इख्तलाफ चल रहे हैं, फारूक भी मेरे साथ एक कुछ है, सितारा भी एक कुछ है, और भाई भाभी सब, तो हम एक कुछ हैं भाई, उसके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं दुआओं मेरी दुआएं फारूक की बच्ची के साथ हैं और यानी मेरी दोती पोती के साथ। और दूसरी बात भी हाँ, अपना बर्थडे पर हम दोनों भाई गुलाम मद और मैं एक साथ क्यों नहीं थे,
भाई वो भाई मेरा और मेरा कुछ जब से वीजे का इख्तलाफात था, जब से उसने सितारा के घर से मुझे रुकवाया, ऐसे ही कुछ मतलब इसी नजमावी की वजह से, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज खुद अकेले बैठे हुए भाई साहब, उन्हीं बच्चों की वजह से एक भाई छोटे को छोड़ा। बाप होता है बड़ा भाई, आप मेरे बाप हैं, लेकिन आपने मुझे छोड़ा था इसी बच्चों के लिए, उसी बच्चों ने आपको अकेला बिठा के वो गए, लेकिन भाई जुदा नहीं हो सकते, भाई हम साथ ही हैं आपके। तो जी जब उसने कहा रे भाई अनवर वहाँ है तो मैं नहीं आता, तो मैंने दिलबर को कहा भाई मैं चला जाता हूँ कुछ घंटों के लिए, वह भाई आए केक काटें सब कुछ करें, उसके बाद जब भाई जाएंगे तो फिर मैं आ जाऊँगा। मैंने फिर भी हार मान ली थी, लेकिन फिर भी भाई को भेजा तो भाई कहता नहीं, क्या कर सकते, बहुत अफसोस हुआ मुझे भी, मैं हार मान गया, अभी मैं चला जाता हूँ आप फंक्शन पर आ जाएं, तो भाई नहीं माना, खैर उनकी मर्ज़ी। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के, तब तक के लाला हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तो मेरी बातें अगर आपके समझ में आई हो तो नाराज़ कोई ना हो मुझसे, सब सपोर्टरों देखने वालों सबको मेरा सलाम, प्यार भरा मोहब्बतें भरा। तो मिल अच्छा भी बाकी बात ये रही, आज मैं घर नहीं गया, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है वसीम की, हॉस्पिटल दो दफ़ा मुझे लेके जाना पड़ा, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और भी नैना की और शाहरुख की वो टिकटें वापस ले रहे थे, मैंने व्लॉग में देखा, कॉल भी आई मुझे भी, हम वापस टिकट शाहबाज ने कहा हम टिकटें वापस करने गए, क्या रीज़न है वो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा कि टिकटें वापस क्यों हुई। तो मैं कल घर जाऊँगा, आज मैं घर नहीं गया, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो कल के दिन में इंशाल्लाह नैना वाली भी बात ज़रूर क्लियर करूँगा भी उन्होंने टिकटें क्यों वापस की। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, अल्लाह हाफिज़।